हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, मेरे सिस्टर इन लॉ ने अभी वो दिल्ली में है तो वहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनल के पास जाके बालों की स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, हाईलाइटिंग और परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराई है और केराटिन ट्रीटमेंट भी कराई है। तो किस तरीके का उनका लुक आया है, कैसे कराया है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे कि आप लोग को मेरी ब्लॉगिंग वीडियोज मिलेंगी। अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और फाइनल लुक जरूर देखिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये बैला की क्रीम से स्ट्रेटनिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट कराया था हमने। हाईलाइटर के लिए आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रिक का, लॉरियल का, कोई भी जो भी आपको हाईलाइटर क्रीम अच्छा लगता वो आप कर सकते हो। स्ट्रिक का और ब्लीच से बालों को हाईलाइट किया था, कल बहुत सारे हाईलाइटिंग और कलर की वीडियोज मैंने डाली हुई है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो हाईलाइटिंग के लिए आप ब्लीच भी यूज़ कर सकते हो, ब्लीच से बालों को बहुत सुंदर और हाईलाइट कर सकते हो, जो कि मैंने बताया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। हाईलाइट करने का तरीका यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने वेला की क्रीम ली है, स्ट्रेटनिंग एंड न्यूट्रलाइज़र। तो ये वेला में इस तरीके के पैकेट में आपको दो क्रीमें आएंगी, एक ऑरेंज और एक वाइट वाला। ऑरेंज वाला आपको पहले लगाना है, उसके बाद हेयर वॉश करना है। ऑरेंज वाला लगा के आपको एक घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर हेयर वॉश करना है, फिर हेयर को प्रेसिंग करना है, मतलब स्ट्रेट करना है अच्छे से। फिर जब आपका हेयर अच्छे से स्ट्रेट हो जाए तो आपको न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगानी है और फिर वॉश करना है। और वॉश करने के लिए कोई शैम्पू वगैरह यूज नहीं होगा, आपको सिंपली पानी से वॉश करना है। उसके बाद से एक घंटे रखना है, एक घंटे के बाद से आपको इसको चेक करना है कि आपके बालों के जो बोन्स होते हैं वो टूटे हैं या नहीं। उसके लिए आपको बालों में गांठ लगानी है, अगर आपकी गांठ नहीं खुलती है तो आपके बोन्स टूट चुके हैं और अच्छे से आपका हेयर स्ट्रेट हो चुका है। उसके बाद से आप वॉश करोगे, स्ट्रेट करोगे और फिर से आप न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगाओगे, मतलब वाइट वाला लगाओगे, और इसको भी एक घंटे रखोगे और फिर नॉर्मली पानी से वॉश करोगे तो आपका हेयर परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाईलाइट्स कर रहे हैं अभी, तो हाईलाइट्स के लिए आई डोंट नो कि कौन सा क्रीम इन्होंने यूज़ किया था। आप कोई भी हाईलाइटर क्रीम यूज कर सकते हो, क्योंकि ये लोग दिखाते नहीं हैं इतना, बस इतना ही इन्होंने वीडियो लिया था कि भाभी को भेजना है, उनको अपनी वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे डालना है, तो इन्होंने बोला ठीक है ले लीजिए, बट हम क्रीम वगैरह का नहीं दिखाएंगे। इन्होंने पूछा कि आपने कौन सा क्रीम यूज़ किया, तो उन्होंने बताया कि हमने वेला का क्रीम यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से जिग जैग करके आपको हेयर को उठाना है और सिल्वर पेपर नीचे रखना है, उसके बाद से क्रीम से पूरा अच्छे से बालों को ढक देना है। आप अगर ब्लीच से भी हाईलाइट करते हो तो ब्लीच से भी आपको इसी तरीके से करना है, पूरा एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा डालना है और इस तरीके से सिल्वर पेपर पे रख के और पूरे बालों को कवर कर देना, अच्छे से ढक देना है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्रिमिंग भी कराई थी ट्रिमर के ज़रिए, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से जो आपने लेयर लिए थे उस पर हाईलाइटर क्रीम लगा के और ऐसे ढक के रख देना है इसको। कम से कम आपको 30 मिनट के लिए छोड़ना होता है इसको, हाईलाइटर क्रीम को 10 से 15, कई कई बहुत हार्ड भी होते हैं, मेंशन दिया होता है आपको उसको, जो आप ख़रीदोगे तो उस पर लिखा होता है कि आपको कितना टाइम के लिए रखना है। अलग अलग क्रीम्स की अलग अलग टाइमिंग होती है, ज़्यादा से वैसे हाईलाइटर क्रीम आपको 15 से 20 मिनट में ही अपना काम कर देता है। अगर आप ब्लीच से कर रहे हो तो ब्लीच से आपको एक घंटे के लिए छोड़ना होता है। तो इस तरीके से लगा के इन्होंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ा होगा, उसके बाद से इसको वॉश कर देना है। उसके बाद से इस तरीके का लुक आया था, ये देखिए एक एक लाइन को ये आराम आराम से निकालेंगे। ओके, उसके बाद से ये स्मूथ जो ऑरेंज वाला क्रीम था स्ट्रेटनिंग क्रीम, उसको लगा रहे हैं, अच्छे से लगाना है, पूरे बाल अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। और ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग है। परमानेंट स्ट्रेटनिंग से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फिर 1 या 2 साल के बाद ख़राब हो जाते हैं हेयर, ऐसा नहीं है गाइस। जो आपके जड़ों से बाल निकलते हैं तो वो तो आपका नॉर्मली निकलेगा जैसा आपका है, जो आप नीचे के हेयर हैं वो आपके स्ट्रेट ही रहेंगे, आप कट कराते जाते हो उसके बाद से आपके बाल जो आपका नेचुरल है वैसा निकलने लग जाता है। लेकिन जिस पे आपने करवा लिया एक बार स्ट्रेटनिंग, वो परमानेंट ही हो जाती हैं, बस कट कराते कराते वो निकल जाती हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि 1-2 साल के बाद से चला जाता है। तो इसके बाद से क्रीम लगाने के बाद से इन्होंने वॉश किया है, उसके बाद से इसको स्ट्रेट किया, देखिए अच्छे से स्ट्रेट करना है। ओके,
जब अच्छे से स्ट्रेट हो जाए तो आपको न्यूट्रलाइजर लगाना है, उसको भी 1 घंटे रखना है। और लास्ट में भी आपको लास्ट स्टेप जो होता है वो भी स्ट्रेटनिंग का होता है। तो ये था इनका फाइनल लुक, उसके बाद से इन्होंने ट्रिम करवाया था, जैसे पूरा स्ट्रेट रखना था तो स्ट्रेट ट्रिमिंग करवाई थी। और यहाँ पे फिर से हाइलाइटर वाला दिखने लग गया था, यहाँ पे मैंने वीडियो दोबारा से डाल दी थी, देखिए कितना सुंदर हाइलाइटर यहाँ पे आया था, हाइलाइटिंग। और ये स्ट्रेटनिंग करा ली है, और उसके बाद से न्यूट्रलाइजर क्रीम लगी है स्ट्रेट करने के बाद से, और इसको भी 1 घंटा रखेंगे, और उसके बाद से वॉश करना है। अगर मैं क्रीम मंगाती हूँ तो मैंने अपने ऊपर करके आप लोग को दिखा दूंगी अच्छे से। और ये ध्यान रखिएगा जब आप क्रीम लगाते हो तो आपकी जड़ों से 1 इंच दूर रहे, जड़ों पे नहीं लगनी चाहिए, 1 या 1.5 इंच छोड़ के ही आपको क्रीम अप्लाई करना है बालों पे, क्योंकि जड़ों इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जो कि आपकी बालों को जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करते हो बालों पे तो जड़ों में ना लगे, जड़ों से 1 इंच छोड़ के ही क्रीम को अप्लाई करना है। और इसका अलग से ही शैम्पू वगैरह सब आता है, टोटल खर्चा इनका 11,000 आया था टेम्पू वगैरह सब कुछ लेके। वाओ, दिस इज फाइनल लुक। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। मैंने